हाँ जी बिल्कुल, किशोर नमित कपूर हमारे गुरु मेरे साथ हैं आज। किशोर जी इज द हिंदुस्तान के सबसे बड़े एक्टिंग गुरु हैं, मतलब आज ऋतिक रोशन, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, विवेक ओबराय, मैं यदि बोलना स्टार्ट किया तो मेरे ख्याल से सर सुबह यहीं इसी में निकल जाएगी। तो मैं खुश नसीब की बात है कि उन्होंने कुछ फिल्में भी की है काका के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि वो तो सबसे बड़े एक्टिंग गुरु हैं ही, लेकिन उन्होंने कुछ फिल्में उनके साथ की है काका के साथ, अशांति और पाप का अंत। बस वो आपके सामने ही है, मैं उनको इनवाइट करूंगा स्टेज पे। किशोर सर एक जोड़े तालियां। मैं रवि जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका सम्मान करें। रवि जी शंकराम जी सम्मान करें। महकते हुए फूल पेश किया जाए। भाई सच्ची बात तो ये है कि मेरे राजेश खन्ना सुनीत शाह हैं। राजेश खन्ना के चाहने वालों मेरा प्रणाम, माय ग्रीटिंग्स। कुछ दिन पहले एक राजेश खन्ना की एड आई थी कि मेरे फैन हैं। हम लोगों ने समझा कि शायद वो किसी फैन की हवेली फैन की बात कर रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि फैन जो होता है असल में एक एब्रीविएशन है फिनेटिक का, फिनेटिक यानी फैन। तो जो उनके फिनेटिक थे या फैन थे उस वजह से उन्हें एक टाइटल मिला था उस जमाने में, सुपरस्टार, एंड द फर्स्ट वन रिमेन्स द डिजायर्ड वन। एक वक्त ऐसा आया जब लोग कहते थे ऊपर आका नीचे काका, लेकिन वो सिर्फ सुपरस्टार नहीं थे, वो सुपर अभिनेता भी थे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि अभिनय इमोटिव आर्ट है, और अगर अभिनय इमोटिव आर्ट है तो दुनिया के इतिहास ने ऐसा इमोशनल एक्टर कभी नहीं देखा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा कलाकार नहीं आया जो एक शब्द पर आंसू ला सकता था। मैं जब अशांति कर रहा था, हमारा एक सीन था कन्फ्रंटेशन का, आखिर में सीन के क्लाइमैक्स के वक्त जब साउंड गो, कैमरा क्लैप चल रहा था, तो अचानक काका ने कहा उमेश मेहरा से, उमेश उसके डायरेक्टर थे, कि उमेश थोड़े अथरू ले आओ, मैं थोड़े आंसू ले आऊं। तो ही सेड या, और टप 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 आंसू बहने लगे। रिंकी मेरी स्टूडेंट थी, मैंने पूछा कि पापा से पूछो किसके पीछे राज क्या है, मुझे एक्टिंग के बहुत सारे राज मालूम है, शायद ऑलमोस्ट सब, क्योंकि वो मेरा मिशन है, लेकिन ये राज मैं भी नहीं समझ पाया। फर्स्ट जेन्युइन स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर, लेकिन अफसोस ये है कि वो ये राज लेकर अपने साथ चले गए। कहते हैं कि मैजिशियंस डोंट टेल, एक्टर्स डोंट टेल, लेकिन एक राज मैं आपको बताता हूं जो बड़ा गजब का राज है। दुनिया भर में जितनी कलाएं हैं उसमें कलाएं अमर हो जाती हैं, अभिनय एक ऐसी कला है जिसमें कलाकार या अभिनेता अमर हो जाता है। तो थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि राजेश खन्ना का देहांत हो गया, ये सच नहीं है। मरे थे जतिन खन्ना, राजेश खन्ना तो अमर हैं। धन्यवाद।